अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएनए व्हिच इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आज आप देखेंगे अपने टॉपिक के अंदर डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड की एक किस्म है। डीएनए किस चीज का एब्रीवेशन है? डीएनए एब्रीवेशन है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हम जानते हैं बेटा कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पेंटोज शुगर यानी राइबोज पाई जाती थी, साथ ही साथ जो है वो नाइट्रोजनस बेस पाई जाती थी और उसकी जो कार्बन नंबर 5 थी उसके ऊपर जो है वो फास्फोरिक एसिड ग्रुप या फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता था। इन तीनों चीजों के मिलने से जो हमारे पास एक चीज बनती है, एक यूनिट बनता है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं और उनके कंबाइन होने से जो है वो डीएनए बनता है या फिर आरएनए बनता है। तो डीएनए क्या है? डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड या फिर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम है, यानी डीएनए को हम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। अब डीएनए जो है बेटा, ये जो है हेरिडिटी मटीरियल है। हेरिडिटी मटीरियल से मुराद कि डीएनए जो है ये क्या करता है, ये खसूसियात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर मुंतकिल करता है, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स मुंतकिल होती हैं वो डीएनए के थ्रू होती हैं। और हम कह सकते हैं डीएनए जो है ये क्या करता है, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। वी कैन से दैट इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। ये एक सेल की जो है वो एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें डीएनए की, डीएनए के अंदर जो है वो चार किस्म के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डीएएमपी। डी से मतलब डीऑक्सी, यानी इसके अंदर जो शुगर होगी न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो डीऑक्सी होगी। डीऑक्सी से क्या मतलब, ये हमारे पास एक राइबो शुगर है। राइबो शुगर की अगर हम कार्बन नंबर 2 से क्या करते हैं, ये वाला ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो हमारे पास ये वाली जो शुगर है पेंटोज शुगर, इसको हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोज। यानी डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है, वो कैसी होती है, उसकी कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है यानी निकला हुआ होता है। तो इस वजह से इसके साथ जो है हम डी लगाते हैं। डी मीन होता है रिमूवल, किसी चीज का निकल जाना। तो इसके अंदर जो पेंटोज शुगर है वो कैसी है, डी ऑक्सी राइबोज है। और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। एएमपी से मुराद एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है वो एडिनिन पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें डीटीएमपी, डी से मतलब डीऑक्सी, टीएमपी से मतलब थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, यानी इसके अंदर थायमीन जो है नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें डीसीएमपी, डी से मतलब डीऑक्सी, यानी इसकी भी जो शुगर होगी पेंटोज शुगर, वहां से भी क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। और सीएमपी से मुराद है साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अंदर जो चौथा किस्म का न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है वो है डीजीएमपी। डी से मुराद रिमूवल, जीएमपी से क्या मुराद, गवानीन मोनोफॉस्फेट, यानी गवानीन मोनोफॉस्फेट है, इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है वो गवानीन होती है। यानी हम कह सकते हैं डीएनए के अंदर चार किस्म की बेसिस पाई जाती है, जिनमें हमारे पास एडिनिन है, थायमिन है, इसी तरह से बात करें गवानीन और साइटोसिन। ये चार किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि डीएनए के अंदर पाई जाती हैं। ए से मुराद क्या है, एडिनिन, टी से मुराद थायमिन, जी से मुराद गवानीन और सी से मुराद साइटोसिन। ये चार किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इसको आपने जो याद करना है वो ऐसे करेंगे आप लोग, एट गवर्नमेंट कॉलेज, ए टी मीन एट, जी से मुराद गवर्नमेंट और सी से मुराद कॉलेज। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं उसको हमने स्कूलिये से याद रखना है, एट गवर्नमेंट कॉलेज। ए से मुराद एडिनिन, टी से मुराद थायमिन, जी से मुराद गवानीन और सी से मुराद साइटोसिन। ये चार किस्म की जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के अंदर पाई जाती है। डीएनए के अंदर पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ किस्म के चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए, यानी इनके दरमियान जो बांड पाया जाता है वो कौन सा है, वो है फॉस्फोडाइस्टर बांड। फॉस्फोडाइस्टर बांड के जरिए से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। जैसे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या देते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड, जैसा कि एनएडी, निकोटीन, अमाइड, एडिनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड।
जो कि क्या है, कोएंजाइम है और इस्तेमाल होता है सेल के अंदर होने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। इसी तरह से जिस वक्त तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कह देंगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है वो एरविन चर्गफ ने 1951 के अंदर, एरविन चर्गफ ने 1951 के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस की रेशोज के बारे में बताया कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी रेशोज क्या है। ही टोल्ड दैट द एडिनिन एंड थाइमिन आर इक्वल इन क्वांटिटी, यानी जो रेशियो है एडिनिन और थाइमिन की वो तकरीबन क्या होती है, इक्वल होती है डीएनए के अंदर। और इसी तरह से जो गवानीन और साइटोसिन है इनकी रेशियो भी क्या होती है, तकरीबन इक्वल होती है डीएनए के मॉलिक्यूल में। तो ये किसने बताया, ये एरविन चर्गफ ने बताया 1951 के अंदर। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉरिस विल्कंस एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट जो है इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को इस्तेमाल किया डीएनए की स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए। मॉरिस विल्कंस एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन यूज द एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, डीएनए का मॉडल पेश किया। जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक मेड द मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर का जो है वो मॉडल बनाया। इस मॉडल के मुताबिक डीएनए जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं। दोनों न्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रैंड है वो आपस में क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक अगर 5 से जो है वो 3 एंड की तरफ है तो दूसरा जो है वो 3 से 5 प्राइम एंड की तरफ है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो दो स्टैंड पर मुश्तमिल है, एंटी पैरेलल होते हैं। इनके दरमियान जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो आपस में वीक बॉन्ड के जरिए कंबाइन होती हैं। वीक बॉन्ड यानी उनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जैसे कि एडिनिन और थाइमिन के दरमियान जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसी तरह से गवानीन और साइटोसिन की अगर बात की जाए इनके दरमियान जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यानी गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको डॉट लाइन से शो करते हैं। और एडिनिन और जो थाइमिन होते हैं इनके दरमियान जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं इस तरह से। तो ये किसने बताया, ये जो है हमें पता लगा वाटसन एंड क्रिक मॉडल के जरिए। उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो डीएनए के जो आप कह रहे हैं कि डीएनए के अंदर जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मौजूद होते हैं कि जो बैकबोन होती है, यानी इनका ये वाला जो पार्ट है ये जिसको हम बैकबोन कहते हैं, बैकबोन बनी हुई होती है इनकी फास्फेट ग्रुप से और इनके अंदर जो है पेंटोज शुगर जिसको हम राइबोज कहते हैं, डी ऑक्सीराइबोज वो मौजूद होती है। तो हम कह सकते हैं फास्फेट ग्रुप जो है या फिर फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर जो है वो डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। और दूसरी जानी जो नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ पर मैंने एन भी लिखा है, एन भी से मुराद नाइट्रोजिनस बेस। डीएनए के अंदर 4 किस्म की नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, एडिनिन, थाइमिन, गवानिन और साइटोसिन। तो यहाँ पर कोई भी जो है वो नाइट्रोजिनस बेस आ सकती है। फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर आपस में मिलते जाएंगे और मिलकर क्या बना देंगे, इस स्टैंड की जो है वो बैकबोन बना देंगे। और नाइट्रोजनस बेसिस देखें ये अंदर की जानी प्रेजेंट है और ये आपस में इंटरलिंक करती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। उसके अलावा इस मॉडल में हमें ये बताया गया कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो दो स्टैंड होते हैं वो एक दूसरे के गिर्द क्या होते हैं, कॉइल होते हैं। देखें एक दूसरे के गिर्द ये क्या हुए हैं, इनकी यानी कॉइलिंग हुई हुई है, एक दूसरे के गिर्द ये लिपटे हुए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो जो डीएनए है हर स्पीशी के अंदर वो फिक्स क्वांटिटी के अंदर होता है। डीएनए इज फाउंड इन फिक्स क्वांटिटी इन ईच स्पीशी एंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो डीएनए की क्वांटिटी है एक स्पीशी के अंदर वो क्या होती है, फिक्स होती है। अब आप लोग सुन रहे हैं कि आपने इसमें लिखना है इस टॉपिक के अंदर, सबसे पहले आप बताएंगे डीएनए को जब आप स्टार्ट करेंगे, वी हैव टू राइट दैट डीएनए इज द एब्रीवेशन ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड which is a type of nucleic acid. Then you have to write that DNA is a hereditary material. DNA जो है वो एक hereditary material है and it controls the activities of a cell. ये क्या करता है, एक cell की activities को control करता है। फिर आप लोगों ने बताना है that it is made up of 4 kinds of nucleotides.
ये जो है चार किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, विच आर नेम्ड एज डीएएमपी, डीटीएमपी, डीसीएमपी एंड डीजीएमपी। तो आप जो है फिगर को इसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद आपने जो बताना है वो बताना है, व्हेन टू न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन दे फॉर्म अ बॉन्ड विच इज नाउन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब दो न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। द टू न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देन यू हैव टू राइट दैट व्हेन टू न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन दे फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड इन द सेम वे व्हेन थ्री न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन दे फॉर्म ट्राइन्यूक्लियोटाइड। इफ वी टॉक अबाउट द डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी व्हिच इज the abbreviation of nicotine amide adenine dinucleotide, which is an important coenzyme in the oxidation and reduction reactions of cells, is an example of dinucleotide. NAD jo hai wo kya hai, ek example hai dinucleotide. Then you have to write that at Erwin Chalgov in 1951 told about the ratios of nitrogenous bases that are present in DNA. We know that there are four nitrogenous bases that are found in DNA: adenine, thymine, guanine and cytosine. The ratios of adenine and thymine is nearly equal. The percentage of adenine is nearly 30.9 and the ratio of thymine is nearly 29.4%. In the same way, if we talk about the percentage of guanine, the guanine is found in 19.9%, and in the same way the cytosine is found in nearly 19.8%, and we can see that here the ratios are nearly equal. Inki jo ratios hain adenine aur thymine ki, aur isi tarah se guanine aur cytosine ki, wo kya hain, takriban barabar hain. Then we have to write that there are four kinds of nitrogenous bases that are present in DNA: adenine, thymine, guanine and cytosine. After that, you have to write that Maurice Wilkin and Rosalind Franklin used the X-ray diffraction technique to determine the structure of DNA. इन्होंने जो है DNA की structure मालूम करने के लिए X-ray diffraction technique का इस्तेमाल किया. After that, at the same time, उसके बाद आपने बताना है कि बिल्कुल इसी वक्त the James D. Watson and Francis Crick made the model of DNA structure. वाटसन ने और क्रिक ने क्या किया, डीएनए की स्ट्रक्चर का मॉडल पेश किया. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल दी डीएनए इज कंपोज ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड. डीएनए जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है. वन इज दिस स्ट्रैंड एंड द अदर इज दिस वन. तो इसके अंदर टोटल कितने हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मौजूद होते हैं. दी टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आर ऑपोजिट टू ईच अदर. जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैं वो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के. मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पर जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है वो 3 एंड से 5 एंड की जानिब जा रहा है, और दूसरा जो है वो 5 एंड से 3 एंड की जानिब जा रहा है. तो ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट है. द बैकबोन ऑफ दिस स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर विच इज नाउन एज राइबोज. यहाँ पर जो पेंटोज शुगर है वो क्योंकि राइबोज है, तो फास्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर जो है वो क्या करते हैं, इस स्ट्रैंड की बैकबोन बनाते हैं. एंड दी नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट इनसाइड, और जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो अंदर की जानिब मौजूद होती हैं. एंड दीज नाइट्रोजनस बेसिस इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू वीक बॉन्ड्स. और जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो अंदर की जानिब मौजूद होती हैं वो वीक बॉन्ड्स के जरिए आपस में मिलती हैं. एंड दीज वीक बॉन्ड्स आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इन वीक बॉन्ड्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नाम देते हैं. देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन. एडेनिन और थाइमिन के दरमियान जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं. एंड इन द सेम वे देयर आर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गवानिन एंड साइटोसिन. गवानिन और साइटोसिन के दरमियान जो है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं. एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन. और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको हम डॉटेड लाइन के साथ शो करते हैं. टिल नाउ
the Watson and Crick model is complete, and after that you have to write that there is fixed amount of DNA in each species. Har species ke andar jo DNA ki maqdar hai wo fix hoti hai, and depends upon the number of chromosome, aur jo DNA ki maqdar hai wo chromosome par depend karti hai. And there is nearly half amount of chromosome in germ cells ke andar jo hai chromosome ki maqdar kya hoti hai, half hoti hai. And we can say that the DNA is also half in germ cells like egg cells and sperm cells. तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया डीएनए के बारे में. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर आप लोगों से मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.